अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बाथरूम में पैदा होने वाली स्मेल की मेन वजह और उसका बहुत ही आसान हल बताने जा रहा हूँ। पी ट्रैप या लोटा, इसे कौन नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये आम सी दिखने वाली चीज़ अपने आप में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। फ्रेंड्स, इसी की वजह से हम अपने घर में बाथरूम्स, किचन्स, सेहन, इवन पूरे घर में मेन होल की गैसेस और बदबू से बचे रहते हैं। बस इसे लगाते वक्त इसकी साइंस को समझने की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, इसे लगाते वक्त इसके लेवल का ख्याल रखा जाता है। एक्चुअली फ्रेंड, जब हम इसे किसी भी ड्रेन के साथ अटैच कर देते हैं तो इसका मकसद मेन होल से वापस आती हुई गैसें और बदबू को रोकना है। ये वाला होल इसका इनलेट होल है और ये इसका आउटलेट है। पी ट्रैप बहुत सी किस्म के होते हैं, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है कि उसका इनलेट का एरिया 4 इंच का ही होता है, जबकि आउटलेट 4 इंच भी हो सकता है और 3 इंच भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। और ये आउटलेट पानी को ड्रेन करते हुए मेन होल के साथ जाके अटैच हो रहा होता है। साफ लफ्जों में हम इसमें पानी को इकट्ठा करके आउटलेट का रास्ता बंद करते हैं। फ्रेंड्स, आप इस वक्त इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि जब हम इसमें पानी डालते हैं तो इस वाले एरिया में पानी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि पानी अपनी सतह हमवार रखता है। इसलिए जब पानी का लेवल ऊंचा होने लगता है तो फिर वो पानी यहाँ से एक्स्ट्रा होके इस पाइप के जरिए बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और एंड पे जो इस पाइप से नीचे वाला पानी होता है वो इस पी ट्रैप के अंदर ही रह जाता है। आप इसका ये आउटलेट का पाइप देख रहे हैं, हमें पानी का लेवल इस जगह से ऊपर रखना होता है ताकि हम इस एरिया को पानी के जरिए बंद कर सकें। अगर पी ट्रैप लेवल में नहीं लगा होगा तो पानी इस एरिया से ऊपर नहीं रुक पाएगा, इस जगह से पानी का गैप रह जाएगा इस जगह से, और आउटलेट पाइप से वापस आती हुई गैसेस इस पानी के ऊपर जो थोड़ी सी जगह बची होगी वहां से निकल के तो हमारे बाथरूम में, किचन में और कहीं भी आना शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसको लेवल में लगाने का तरीका भी बताता हूँ, और अगर आपका पी ट्रैप ऑलरेडी लगा हुआ है और वो गलत लग चुका है, वो अपने लेवल में नहीं लगा हुआ, तो आज मैं आपको लगे हुए पी ट्रैप के 2 प्रॉपर हल बताऊंगा जो 100% काम करेंगे। आपको पी ट्रैप को निकालना नहीं है, उसको तोड़ना नहीं है, अपने कमोड को या सीट को उखाड़ना नहीं पड़ेगा, नया पी ट्रैप लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उसी लगे हुए पी ट्रैप को जिसका लेवल आउट है, हम उसे बिल्कुल ठीक कर लेंगे उसी जगह पे। तो फ्रेंड्स, आमतौर पे इसे लगाते वक्त प्लम्बर हजरात या मिस्त्री हजरात इसका लेवल करते हैं, वो इसको इस जगह पे लेवल रखते हैं और देखते हैं कि लेवल ठीक है, इस लेवल को इस जगह पे रख के पक्का कर देंगे और मुतमिन हो जाएंगे कि अब ये लेवल में लग चुका हुआ है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। पी ट्रैप को इस लेवल के जरिए बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पी ट्रैप का ये ऊपर का एरिया कभी भी लेवल में नहीं होता। आप अच्छे से अच्छा पी ट्रैप भी ले आएंगे तो ये ऊपर का एरिया इसका बिल्कुल भी लेवल में नहीं होता। तो हमारे पास इसका लेवल करने का क्राइटेरिया, ये इसका अपर एज बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आप इसे नया इंस्टॉल करते हैं कमोड के साथ या पॉट के साथ, किचन में या किसी भी जगह पे इसे इंस्टॉल करते हैं, तो इसका लेवल किस तरह करते हैं वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। आमतौर पर मिस्त्री हजरात वक्त बचाने के लिए इस पे इतना ध्यान नहीं देते और सारी जिंदगी का मसला छोड़कर चले जाते हैं, तो हमने इसका लेवल पानी के साथ ही करना है। मैं इसमें पानी डालता हूं, आप खुद देखिएगा, अगर तो इसमें से पानी यहां से आना शुरू, निकलना शुरू हो गया और इस जगह पे अभी भी आपको गैप लग रहा होगा, गैप नजर आ रहा होगा, तो समझे ये लेवल में नहीं लग रहा। इसको लेवल करने के लिए हम यहां से थोड़ा सा अप करते हैं और फिर इसमें पानी डालते हैं और देखते हैं कि इसमें पानी रुकता है कि नहीं, वो उसका वो एरिया कवर होता है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं कि यहां से पानी भी नहीं निकल रहा और वो एरिया यानी जहां से पहले 1/2 इंच का रास्ता बना हुआ था एयर के गुजरने का, वो अब यहां से क्लियर है। अब मेरी फिंगर डायरेक्ट पानी के अंदर जा रही है, यहां से बिल्कुल इसका रास्ता बंद हो चुका हुआ है। आपको लगता है कि आपके बाथरूम में, किचन में किसी जगह पे स्मेल बनती है, स्मेल पैदा होती है, तो आपने सबसे पहले जिस जगह से स्मेल आती है उस जगह के पी ट्रैप को चेक कर लेना है। आपने देखना है कि उसमें जब पानी खड़ा होता है तो इस जगह से जगह बनी होती है या पानी इस जगह के ऊपर आया होता है। अगर तो यहाँ से जगह बनी हुई है तो आप समझ लें मेन होल से गैसेस और बदबू वापस यहाँ से निकल के आपके वॉशरूम में भर जाती है। आपको हर सूरत में इस जगह तक पानी रखना है। उसके लिए अब हमें इसे तोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इसके 2 बड़े बेहतरीन से तरीके बताता हूँ, आपके घर में से 100% स्मेल ख़त्म हो जाएगी। पी ट्रैप कोई भी हो, उसका ये वाला हिस्सा 4 इंच डायामीटर का होता है, इसका आउटलेट 3 इंच का भी होता है, 4 जिस
जितने इंच के पाइप की आपने ड्रेन की वायरिंग करवानी हो, आगे वाला हिस्सा उसका उस साइज का मिल जाता है। ये 4 इंच का ही होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 4 इंच का एक पाइप का पीस लेना है, इसमें से अच्छी तरह पानी गुजार लेना है और साफ कर लेना है। अगर आपने बहुत ज्यादा क्लीन करना है तो इसमें कुछ देर कास्टिक सोडा फेंक दें, 10 से 15 मिनट बाद आप इसमें ड्रेन करें, ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, इसमें आप फिर कोई भी काम कर सकते। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी हाइट माप लेनी है। आपने देखना है ना पानी कितना डाउन है, हमें पानी जितना आपका इस वक्त डाउन होगा उससे 1/2 इंच नीचे रखना है, यानी इस पाइप को हमने पानी के अंदर डिप करना है। तो उतना आपने 1/2 इंच नीचे रख के तो इसकी पैमाइश कर लेनी है कि हमें कितना इसमें पाइप फिट करना है। यानी यहाँ पे अगर ये 3 इंच आ रहा है या 2 इंच आ रहा है तो हम 3 इंच का रख लेते हैं, 4 इंच भी रख सकते हैं हम, यानी इसके अंदर अंदर पाइप हम जितना भी यहाँ इसके पूरा ऊपर तक भी रख सकते हैं, यहाँ तक भी रख सकते हैं। उसके बाद जब ये इसमें गैप आएगा, ये वाला गैप आएगा, तो इसमें हम सीमेंट भर सकते हैं। सीमेंट भर देंगे तो ये ऊपर से इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये डायामीटर तो 4 इंच ही है, ये ऊपर वाला हिस्सा तो सिर्फ फिटिंग के लिए होता है। अगर आपके पास ब्लेड होल्डर है तो उसमें आरी का ब्लेड कस लें, नहीं है तो फिर जिस तरह ये मैंने जुगाड़ लगाया यहाँ पे, इसको कोई टेप लगा दें, कपड़ा लपेट लें, इसको पकड़ने के लिए कुछ कर लें और फिर हम इसे यहाँ से काट लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने 4 इंच हाइट का पाइप काट लिया है और इस पर मैंने ग्लू भी लगा दी है और अब हम इसे इसके अंदर फिट कर देंगे। फ्रेंड्स, हमने इसके लेवल का बराबर का पाइप काटा और हमने इसमें फिक्स कर दिया, ये बहुत टाइट फिक्स हुआ है, ये कहीं मूव नहीं करेगा। अब हम इसके इस एरिया में सीमेंट भी डाल सकते हैं और ये एक जान हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, चेक करें, पानी का लेवल इस पाइप के ऊपर आ रहा है। अब किसी भी सूरत इस पी ट्रैप से किसी किस्म की गैस या बदबू यहां से वापस आपके बाथरूम में किसी सूरत नहीं आएगी, ये 100% काम करने वाला तरीका है। अगर आपको ये मुश्किल लगता है या आप ये काम नहीं कर सकते तो फिर मैं आपको दूसरे वाला एक तरीका बताता हूं, वो भी इसी तरह सेम काम करेगा और वो भी हम उतारे बगैर, इसे तोड़े बगैर, नया लगाए बगैर हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने इसे अंदर से इसका पानी ड्राई कर लेना। इसका पानी ड्राई करने का तरीका ये है कि आप इसमें कोई कपड़ा रख के तो उसका पानी सोख लें और वो बाहर निकाल लें, ये पानी अंदर से ड्राई हो जाएगा। क्लीन करने का, साफ करने का तरीका मैंने बता दिया था कि इसमें कास्टिक सोडा डाल दें, थोड़ा सा कुछ देर के लिए रहने दें, उसके बाद उसमें पानी ड्रेन करें तो ये अंदर से बिल्कुल वॉश हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 3 हिस्से सीमेंट डालना है इसमें और 2 हिस्से रेत के, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, इस मिक्सचर को हमने थिक रखना है। तो फ्रेंड, मैंने सीमेंट के इस मिक्सचर को कुछ देर के लिए पड़ा रहने दिया तो वो और हार्ड हो गया, इसने पानी सोख लिया है। अब हमें इस तरह का हार्ड टाइप का, इस तरह का थिक टाइप का सीमेंट लेना है कुछ थोड़ा सा, और उसको अगर आपके हाथ सेंसिटिव हैं तो ग्लव चढ़ा लें, वरना इसको हाथ पे रखें सीमेंट को। सपोज करें आपका ये पी ट्रैप लगा हुआ है तो आपने इसके अंदर हाथ डाल के, हाथ पे ऐसे सीमेंट रख के हाथ डाल के, तो इस जगह पे सीमेंट को इसके साथ चिपका देना है। फ्रेंड्स, यकीन करें कि जितना टाइम मुझे यहाँ पे लगा है इतना ही आपको लगेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। हमें इस पी ट्रैप को इस जगह से 1/2 इंच या 1 इंच नीचे करना था, डाउन करना था। पहले ट्रिक में हमने वो पाइप के साथ कर लिया, इसमें हमने ये सीमेंट के साथ कर लिया। दोनों ही ट्रिक 100% काम करने वाले हैं। अब जब ये सूख जाएगा उस वक्त इसमें आपने पानी डालना है, सूखने से पहले पानी नहीं डालना, बस इतना सा काम करना है जितना सा मैंने अभी आपके सामने किया है। इसके बाद आपके घर में से, बाथरूम में से, किचन में से नागवार बदबू और गैसेस का मसला हल हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि छोटे छोटे घरेलू मसले मसाइल का हल मैं आपको बताता रहूं और आप उसे सीखते रहें और धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम्स को कम करते जाएं। इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।